हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में लॉसेस से परेशान हैं? क्या आपको भी लगता है कि मुझे प्रॉफिटेबल होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट से एक्स्ट्रा इनकम आती ही नहीं है? तो दोस्तों, इन्हीं सब चीजों के सॉल्यूशंस के लिए जुड़े रहिए आप शेयर टिप्स से। हम सारे वीडियोज अपलोड करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कैसे स्टॉक मार्केट में लॉसेस को खत्म करना है और प्रॉफिट में अपने पोर्टफोलियो को लेके आना है। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज का वीडियो है बैंक निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हम एवरी वीकली एक्सपायरी हम करते हैं। वीकली एक्सपायरी पे हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम प्रॉफिटेबल रहते हैं। जो लोग फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि हम किस तरीके से कॉल और पुट बाई करवाते हैं हर एक थर्सडे को। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले यही सब कि कैसे हमें प्रॉफिट निकालना है हर थर्सडे। प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सब इस बोर्ड के माध्यम से आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लोजिंग अभी आज का क्लोजिंग बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का आज का क्लोजिंग है 27,034। तो दोस्तों, ये इसका अभी क्लोजिंग आज हुआ है, इसी को मैं एग्जाम्पल लेकर के आगे की स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि 100 नहीं तो एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम्स आप प्रॉफिटेबल रहेंगे और आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि सर लॉस 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 हो रहा है स्टॉक मार्केट में। जी हाँ, ऑप्शंस जैसा कि आप जानते हैं कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदे का सौदा है, तो अगर आप इनको रिस्क हैंडल करके अगर आप इनमें ट्रेड करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर हम इस थर्सडे की अगर बात करें, मान लीजिए कि अभी ये क्लोजिंग हुई है 27,034 पे और मान लीजिए अभी थर्सडे चल रहा है, तो मैं आज स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाऊंगा ये मैं आपको बताने वाला हूं और उसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी चल रहा है 27,034 पे तो यहां से दो ऑप्शंस बनते हैं एक्सपायरी डे वाले दिन, और एक ऑप्शन बनता है उसमें से कि 26,900 की पी यानी पुट का, और दूसरा अगर ऊपर की साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी देखें तो 27,100 का नियर बाई कॉल बनता है। तो दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि मुझे तो लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं बोलता हूं कि ना आप सही हैं जो बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ना आप सही हैं जो बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। हम दोनों ही चीजों को कंसिडर करके चलेंगे क्योंकि मार्केट कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है। तो यहां पर हम कॉल और पुट दोनों को ही बाई करेंगे, दोनों को बाई करेंगे और इस तरह से बाई करेंगे कि वो दोनों अप्रोक्सीमेट बराबर कीमत के हों, ज्यादा फर्क ना हो, 10-20% का फर्क हो लेकिन ज्यादा फर्क ना हो। तो सपोज कीजिए एक्सपायरी वाले दिन, जिस दिन की वैल्यू काफी कम हो जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग टाइम वैल्यू लगभग खत्म हो चुकी होती है, उस दिन खत्म हो रही होती है, तो 26,900 की पुट यहां पे क्योंकि 27,034 चल रहा है तो 26,900 की पुट अगर आपको मिल जाती है 20 रुपए में एक्सपायरी डे वाले दिन, और 27,100 की आपको कॉल मिल जाती है 25 रुपए में। तो दोस्तों, कैसे आप ट्रेड करेंगे? सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि इसमें दोनों ही चीजों में बराबर इन्वेस्ट बराबर कॉल्स आपको खरीदनी है और पुट भी बराबर ही खरीदनी है। जैसे कि अगर आपने कॉल्स के 4 लॉट लिए हैं तो पुट के भी आपको 4 ही लॉट लेने हैं। आप इसमें अपनी स्ट्रेटजी ना लगाने लगे कि भाई आज तो मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने 4 तो कॉल ले ली और 2 पुट ले ली, या 4 पुट ले ली और 2 कॉल ले ली, ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि इसमें आपके लॉसेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहली चीज इक्वल लॉट्स लेने हैं दोनों के। अब आप आगे देखते हैं कि एसएल और टारगेट्स क्या क्या रखने। तो देखिए, जो 20 रुपए वाली कॉल है उसका एसएल आप रखें 8 रुपए, 8 रुपए का 2.5 गुना करेंगे तो लगभग 20 आएगा, 8 to 16 20 आएगा। इसी तरीके से 25 रुपए वाली कॉल का आप एसएल रखें 10 रुपए, इस रेशियो से आप एसएल रख दें, चाहे वो 20 की कॉल हो, चाहे वो 25 की हो, चाहे वो 30 की हो, उसके अकॉर्डिंग आपने एसएल डिसाइड कर लिया। अब आपने टारगेट देखा, टारगेट हम जैसा कि आप जानते हैं लेकर चलते हैं 3 टारगेट। 3 टारगेट किस लिए? कि अगर आप 3 लॉट में काम करते हैं या 6 लॉट में काम करते हैं, जितने लॉट में काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लॉट में काम करते हैं, दोनों ही आपने 1-1 लॉट लिए हैं, तो आप पहले टारगेट पे ही एग्जिट हो सकते हैं। जैसे ही पहला टारगेट आता है तो 1 साइड टारगेट आएगा, दूसरी साइड एसएल आएगा, तो दोनों ही पोजिशन से आप एग्जिट कर जाए। अगर आप 2 लॉट के साथ काम कर रहे हैं तो 2 लॉट में पहला टारगेट आप यहां पर बुक कर लें, दूसरा टारगेट आप सेकंड टारगेट पर बुक कर सकते हैं, इधर आपके एसएल हो जाएगा तो इनकी बार में वो एग्जिट हो जाएगा। तो
तो दोस्तों अगर आप इक्वल लॉट लेके काम करेंगे और इस तरीके से टारगेट लेंगे तो देखिए एक देखते हैं अगर आपने एक एक लॉट लिए तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आपने 20 और 25 रुपए की ये पुट और कॉल ले रखी है और सपोज कीजिए कि मार्केट चला गया डाउनसाइड, मार्केट गया डाउनसाइड तो आपका पहला टारगेट इधर आने वाला है 40 का टारगेट आएगा, इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा 20 रुपीज का। लॉट है 40 का बैंक निफ्टी का तो 20 × 40 ₹800 का बेनिफिट आप रहेगा। इधर में आप देखिए अगर ये टारगेट आएगा तो इधर का ऐसे लाएगा, ऐसे लाया ₹10 का, यहां पर आपके ₹15 चले गए, वहां 20 आए थे यहां 15 चले गए, तो नेट प्रॉफिट हुआ आपका ₹5 का। उसमें आप अगर जीरोधा में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका कितना ₹40 की ब्रोकरेज है सिर्फ, तो वो तो आपकी आधे रुपए में भी निकल जाती है, 50-60 पैसे में आपकी ब्रोकरेज निकल जाती है, ₹1 मैक्सिमम मान लीजिए आप, तो वो आपकी ब्रोकरेज निकल गई तो ₹4-4.5 आपके पास प्रॉफिट हो जाता है और लगभग ₹300 का प्रॉफिट आप यहां से ले जा सकते हैं एक लॉट के अंदर, मिनिमम ये है। बाकी अगर मान लीजिए मार्केट नीचे ना जाके ऊपर चला गया, अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो पहला टारगेट आएगा ₹50 का, यानी कि आपको मिलेगा प्रॉफिट यहां पे ₹25 का, इधर में एसएल हिट होगा ₹12 का, तो नेट प्रॉफिट आपका यहां पर बना ₹13। 13 में से ₹1 मैक्सिमम आपने निकाल दिए अपना ब्रोकरेज वगैरह का, तो ₹12 का फिर भी प्रॉफिट मिला, 12×4=48, 480-500 का आपको यहां पर बेनिफिट। तो चाहे मार्केट इसमें दोनों ही कंडीशन में, चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे मार्केट ऊपर जाए, इसमें आपको दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट होगा। ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन 300 से 500 के बीच में अगर पर लॉट प्रॉफिट होता है तो कोई बुरा नहीं है। हर एक एक्सपायरी को आप ये कीजिए, अगर एक लॉट में भी काम कर रहे हैं 300 से 500 के बीच में अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो 4 हफ्ते एक महीने में होते हैं तो ₹2,500 आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट में होगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया। इन्वेस्टमेंट आपने किया ₹20 यहां पर, ₹25 यहां पर, ₹45 का इन्वेस्टमेंट था, 40 का लॉट था, तो ये लगभग आपका ₹1,800 का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो 1700-1800 के इन्वेस्टमेंट में आपको ₹500 अगर मिल जाते हैं तो कोई बुराई में समझता नहीं हो कुछ है। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि साहब मेरी चीजें सही चल रही हैं, मैं सही टाइम पे एग्जिट ले पा रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टारगेट आ गया 40 का, आपको लगता है 40 नहीं और ऊपर जाएगा, आपने लगा दिया टारगेट 45 का, वो 44 छूके वापस आ गया, तो इन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे ही आपकी पोजीशन बनी तुरंत आपको टारगेट लगा देना है कि ये टारगेट डबल का, ऐसा लगा देना है। अगर ब्रैकेट ऑर्डर में कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें तो आपकी सारी टेंशन ही खत्म हो जाएंगी। तो आपको ये प्रॉफिटेबल टेक्निक है, बैंक निफ्टी आपको खूब कमा के देगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों अभी तो आज आप जानते हैं कि आज टाइम है, अभी तो आज तो है वेडनेसडे, कल जब थर्सडे को ओपन होगा मार्केट तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर ओपन हो, 27,034 का है, कल देखते हैं। तो अब आप ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही आप ये कॉल और पुट बाई कर लें, क्योंकि दोस्तों ये अक्सर देखा गया है, हमने भी जितनी भी कॉल्स दी उनमें भी देखा गया है कि मॉर्निंग के सेशन में कॉल लेने से ज्यादातर नुकसान ही होता है, क्योंकि जैसे जैसे दोपहर आती जाएगी और एक्सपायरी का टाइम नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे आपकी इनकी कॉल्स की और पुट्स की दोनों की वैल्यू डाउन होती चली जाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि ये ट्रेड 12 बजे के बाद ही लें, उससे आपको कम रुपए में वही कॉल और वही पुट्स आपको मिल जाएंगी। और ऐसा भी देखा गया है जैसा कि पिछले थर्सडे को हमारे में हुआ, जो 20 रुपए की पुट थी उसने हाई बनाया 155 का, और जो कॉल थी उसने अपना एसएल दिया, लिमिटेड एसएल है उसमें, तो प्रीमियम जो भी गया वो आपका गया 15 रुपए 10 रुपए जो भी गया, लेकिन हायर साइड में अगर आप एक लॉट लेके बैठे थे तब भी डबल का तो प्रॉफिट ही है, और अगर आप ज्यादा लॉट लेके बैठे थे तो आप कई बार भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे और प्रॉफिटेबल हो सकते थे। तो दोस्तों ये है वो स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी की जो आप एक्सपायरी डे वाले दिन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी डे के ऑप्शंस उसमें शेयर होते हैं, इसके साथ साथ कुछ कमोडिटी की कॉल्स भी उसमें आती हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे भी हम ये शेयर करते हैं, तो फेसबुक का जो हमारा मल्टीपैकर्स बाय शेयर टिप्स पेज है उस पे भी आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रूल्स बनाने होंगे, रूल्स हमने आपको बता दिए हैं, अब बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, और हर एक एक्सपायरी को 300 से 500 रुपए पर लॉट आपको मिल जाएगा इजीली। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और नए मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो आज ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें चैनल
अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।